अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी एंड माय एसक्यूएल में आज हमने जो टॉपिक देखना है वो है माय एसक्यूएल कनेक्शन। माय एसक्यूएल को हम किस तरह से पीएचपी की जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें किस तरह से कनेक्ट करते हैं, किस तरह से हम उसको उसमें डाटा को रिपीट कर सकते हैं। आज के जो टॉपिक्स हम देखेंगे वो सबसे पहले है फंक्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि पीएचपी में जो फंक्शन है वो किस क्या चीज़ है। माय एसक्यूएल आई का जो कनेक्ट है का जो फंक्शन है वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर जो हमें माय एसक्यूएल का जब डाटा रिट्रीव करते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस अरे का पता होना ज़रूरी होता है कि ये अरे क्या चीज़ है, और हम ये देखेंगे। और इसके बाद देखेंगे कि हम कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेस का और उसको टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद एक एरर ट्रैप सैम्पल कोड लिखेंगे ताकि हम ये देख सकें कि उस के जो एरर रिपोर्टिंग एरर हैं वो किस तरह से आते हैं। और माय एसक्यूएल के अलावा जो भी रिपोर्टिंग एरर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं और हम उसका भी ओवरव्यू लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन से। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन होता क्या है। कोड रीयूजेबिलिटी का जैसे हमने सुना होगा कि वो फंक्शन जो है उसमें वो कोड को रीयूज कर सकता है। कोई भी जो आपका कोड है उसको हम एक ब्लॉक में बंद कर लेते हैं और उस ब्लॉक को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, और हम उसको क्या कहेंगे कि वो हमारे पास एक फंक्शन है बेसिकली, कि हमारे पास एक प्रोग्राम होता है, हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड का एक हम उस को हम कोई भी एक स्पेसिफिक नेम देते हैं और उस नेम को हम बाद में यूज़ करते हैं और उसको कोड करते हैं। जहाँ भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारे पास। फंक्शन ले क्या सकता है कि जो भी चीज़ वो इनपुट के तौर पे ले रहा होता है उसको हम उसको कहेंगे कि वो इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं, और जो भी चीज़ वो वापस करेगा या जो भी उसकी आउटपुट होगी उसको हम उस फंक्शन की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फंक्शन नेम जो है हमारे पास उसके डिफरेंट नेम्स होते हैं, जो भी हमारे नेम्स होते हैं कॉन्स्टेंट नेमिंग्स वही फंक्शन के भी नेमिंग्स होती हैं। जैसा कि उसमें कोई भी स्पेशल करेक्टर्स नहीं होने चाहिए, स्टार्टिंग में कोई भी इंटीजर्स नहीं होने चाहिए, और बाकी जितने भी हमारे पास रूल्स हैं वो सेम होने चाहिए। फंक्शन नेम्स हमारे पास जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होते, जैसा कि वेरिएबल्स होते हैं, वो इस तरह से फंक्शंस वर्क नहीं करते। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास एक सैम्पल है फंक्शन, जैसे जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ होती है, फंक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन एज अ कीवर्ड, उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिखते हैं, और उसके बाद ये ब्रैकेट्स स्टार्ट करते हैं, और इसके अंदर जो भी कुछ आ रहा होता है, जो इनपुट हमने देनी होती है वो हम यहाँ पे जो उसको देते हैं वो उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हम इनपुट में रख रहे हैं। उसके बाद हम ये करते हैं कि हम इन कर्ली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर जो भी चीज़ें हम लिखते हैं वो उस फंक्शन की बॉडी होती है। उसके बाद हम रिटर्न एज अ कुछ वैल्यू रिटर्न करवा देते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले ड्रीम वेवर खोलेंगे, और सबसे पहले जो हमारी www डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी पर जाएंगे और यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, जैसा कि हमने हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर 10। यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे functions.php, और इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे हम अपना कोड लिखना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद जो भी हमने फंक्शन बनाना है उसका स्पेसिफिक नाम देना है वो लिखेंगे, जैसे कि हम डू इट के नाम से उसका नाम दे देंगे, और उसके बाद ये हम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर और
आर्ग्यूमेंट्स पास कर देंगे। यहीं पे पास करें जिस तरह से इस फंक्शन के अंदर से जो भी हो रहा होगा वो इस फंक्शन की बॉडी कहलाएगी। हम यहाँ पे हम सिंपली इको करा देंगे, इको इको डॉलर नेम, जो भी हमारे पास नेम आ रहा होगा हम उस पर्सन को यहाँ पे हेलो बेसिकली लिखवा देंगे। यहाँ पे हम सिंपली इसको सिर्फ इको करा रहे हैं, रिटर्न नहीं करा रहे। और इसके बाद हम इसको कॉल भी करेंगे। जो कॉल हम करेंगे वो किस तरह से हम करेंगे अभी हम नेक्स्ट में उसको देखेंगे। अभी जो हम देख रहे हैं जो आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं वो किस तरह से हमारे पास होते हैं, वो दो मेथड्स होते हैं, पासिंग बाय वैल्यू, पासिंग बाय रेफरेंस। पासिंग बाय वैल्यू जो अगर हम इसको करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक फंक्शन है मल्टीप्लाई का। यहाँ पे हम हमारे पास दो वैल्यूज हैं जिसमें हम पास कर रहे हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे पास डॉलर एक्स एंड डॉलर वाई। बेसिकली हम यहाँ पे इसकी जो डॉलर एक्स है उसकी और डॉलर वाई की कॉपी, जो कॉपी है हमारे पास उसको हम पास कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी ज़्यादा यूज़ होती है वो वेरिएबल की कॉपी बना के उसको ओरिजिनल वेरिएबल को नहीं यूज़ करते, बल्कि इसकी जो वैल्यू होती है उसकी कॉपी बना के फिर उसमें चेंजेस करती हैं। मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास पड़ी होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं करते अगर हम पासिंग बाय वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। पासिंग बाय रेफरेंस अगर हम यूज़ करते हैं उसमें ये होता है कि हम उस वेरिएबल को हम डॉलर के साथ पास आउट करते हैं। जैसा कि हम इस वेरिएबल्स को देख रहे हैं कि इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स का क्या होता है कि मेमोरी इस तरह से कम यूज़ होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे उस वेरिएबल का एड्रेस, उसकी लोकेशन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं कि जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं वो उस लोकेशन पे चेंज हो रहे होते हैं, ना कि उस वेरिएबल की कॉपी में। यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन को देखें पासिंग बाय वैल्यू में तो उन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं एज इट इज पड़ी रहेंगी, लेकिन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स हो रहे होंगे वो उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन पासिंग बाय रेफरेंस है वो फंक्शन के बाहर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो न्यू वेरिएबल जो पड़ा हुआ है वो उसी वेरिएबल को हम बाय लोकेशन इनपुट दिया हुआ है उसका। उसके बाद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं, हम सिर्फ डॉलर नेम को पास कर देते हैं। लेकिन अगर यूजर नेम हम उसको नहीं देते तो हम डिफॉल्ट वैल्यू को क्या यूज कर सकते हैं, तो हम वो यहाँ पर खुद ही से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डॉलर नेम इक्वल टू PHP। अगर उन यूजर को ही हम यहाँ पे नहीं कोई यूज हो रहा, जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया है फंक्शन, तो डू इट के थ्रू हम इस फंक्शन को कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हुआ, तो क्या होगा हमारे पास अगर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई भी इनपुट नहीं है, तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी है वो ही शो हो जाएगी, हेलो PHP। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई इनपुट देते हैं, जो भी हमने इनपुट दी है वो इनपुट ही डिस्प्ले होगी, वही आर्ग्यूमेंट डिस्प्ले होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है, PHP की जगह पर हेलो गाइस हमें डिस्प्ले होगा। ये एक दफ़ा हम खुद से एक दफ़ा ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू PHP रखी और फिर जब हमने इसको कॉल किया हम यहाँ पर लोकल होस्ट पे उसको कॉल करके देखते हैं। लोकल होस्ट lecture10 function.php, तो देखिए यहाँ पे हेलो PHP आ रहा है जबकि हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया था। अब हम यहीं पर अगर कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करके देखते हैं, हेलो स्टूडेंट्स
और इसे सेव करके अब हम फिर से यहाँ पे आके रीलोड करते हैं तो देखें यहाँ पे PHP की जगह स्टूडेंट्स आ गया है। ये हो गया डिफॉल्ट। जो हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हम किस तरह से पास करते हैं हमने ये देख लिया। इसके बाद हमारे पास हैं रिटर्निंग वैल्यूज़। अभी हमने जो देखा वो सिर्फ ये था कि फंक्शन के अंदर से ही हमने इसको इको करा दिया, लेकिन अगर हम इसको रिटर्न कराना चाहें तो रिटर्न लिखेंगे और फिर हम इसको यहाँ पर इको करा देंगे। इसको यहाँ हम इको करा लेंगे तो चीज़ वही रहेगी एज इट इज, लेकिन सिर्फ जो फंक्शन है हमारे पास वो खुद से कोई भी हमारे पास जो चीज़ें नहीं हो रहा, लेकिन वो हमारे उस चीज़ को रिटर्न करा रहा है। और जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो भी हमारे पास फंक्शन रिटर्न होगा वो इसको इको करा लेगा। जस्ट हमारे इस दोनों चीज़ों में ये डिफरेंस है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम माई एस क्यू एल आई का जो कनेक्ट के थ्रू हम किसी तरह PHP एप्लीकेशन को अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि माई एस क्यू एल आई कनेक्ट फंक्शन जो है वो करता क्या है। ये फंक्शन एक कनेक्शन ओपन करता है, नॉन परसिस्टेंट माई एस क्यू एल कनेक्शन। इस फंक्शन में अगर हमारा जो फंक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाता है वो इसको रिटर्न कर देता है, अगर वो नहीं होता तो वो एरर और फॉल्स में हमारे पास रिटर्न कर देता है। अगर हम उसको एरर को हाइड भी कर सकते हैं एट द रेट इन फ्रंट ऑफ द फंक्शन नेम। अगर हमने स्क्रिप्ट एंड होने से पहले ही कनेक्शन को क्लोज करना हो तो हम माई एस क्यू एल आई को क्लोज फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। माई एस क्यू एल आई कनेक्ट को की हम कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले एक एक ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पर हम माई एस क्यू एल आई कनेक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिस जहाँ पे हमारे पास क्लासेस होती हैं उस क्लासेस को हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास जो स्क्रिप्ट की इंफॉर्मेशन काफ़ी है माई एस क्यू एल आई कनेक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू के नाम से, और ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन में हम पैरामीटर्स पास करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास होस्ट। होस्ट हमारे पास लोकल होस्ट है और हम यहाँ पे लोकल होस्ट हमने लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास पैरामीटर है यूज़र। माई एस क्यू एल का जो डिफ़ॉल्ट यूज़र है वह रूट है और उसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है ब्लैंक होता है, कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद हमारे पास जो डेटाबेस होती है जो हमने सेलेक्ट करनी होती है वो हम वो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ पे लिख देंगे। और सबसे पहले हम इसी को टेस्ट करते हैं ड्रीम वेवर में। यहाँ पे सबसे पहले हम माई एस क्यू एल आई कनेक्ट का फंक्शन लिखेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू। सबसे पहले होस्ट है तो लोकल होस्ट, यूजर में हम रूट, पासवर्ड एम्प्टी और डेटाबेस हमारा डेमो अंडरस्कोर DB है। इसके बाद हमने इस कनेक्शन को हमने चेक करना है क्या वाकई ये कनेक्शन जो है हमारा क्रिएट हो गया है। उसके लिए हम माई एस क्यू एल आई का हम एक और फंक्शन कनेक्ट एरर, अगर कोई एरर नंबर आ रहा है यहाँ पे तो वो एरर हमने शो करा देना है।
और उसके बाद हमने एग्जिट करा देना है। और अगर हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल है। तो हम यहाँ पर ईगो करा देंगे, कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब हम इसको सेव कर देंगे और इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। ये हमारे पास एक एरर आ रहा है कि हमारा MySQLi का जो क्लास है MySQLi, और इसको हम सेव कर देंगे। और ये हमारे पास एक एरर आ गया है कि कोई डेटाबेस डेमो अंडरस्कोर डीपी का कोई अंडरस्कोर डेटाबेस नहीं है हमारे पास। और अगर हम यही चाहते हैं कि ये हमारे पास, तो हमें यहाँ पे उसके लिए ऐड लगाना पड़ेगा। और हम इसको सेव कर देंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। अभी हम एरर जो है हमारे पास वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने डेटाबेस क्रिएट ही नहीं की। और PHP माई एडमिन खोलेंगे और यहाँ पे हम न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे डेमो अंडरस्कोर डीबी के नाम से। उसके बाद हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास मैसेज शो हो गया है, कनेक्टेड सक्सेसफुली। इसका ये मतलब है कि हमने जो डेटाबेस वहाँ पे क्रिएट की थी वो हमारी PHP की एप्लीकेशन से वो कनेक्ट हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास अगर हमने जो फर्दर डेटाबेस स्टोर कलेक्शंस देखने हैं कि डेटाबेस को हम किस तरह से जो डेटा है वो किस तरह रिट्रीव कर सकते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे और वो हमारे पास आएंगे अरे की सूरत में। अरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो तो सबसे पहले हम वो डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसमें क्या होता है। बेसिकली अरे में क्या होता है कि हम वेरिएबल में एक सिंगल जो अरे है वो स्टोर कर देते हैं, लेकिन अरे में क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यूज से डिफरेंट जो अरेज हैं वो स्टोर कर सकते हैं। जो भी उसमें जो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो सिंगल इंफॉर्मेशन होगी, वो एक अरे का एक एलिमेंट है, अरे का एक, या उसे कहेंगे इस तरह कि वो अरे का एक इंडेक्स है। हर एलिमेंट्स के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है हमारे पास वैल्यू और दूसरी होती है उसकी की। की जो होती है वो यूनिक आइडेंटिफाइज होती है वैल्यू की, और उसी की बेस पे हम उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है वो की बेस पे पड़ी होती है। की कुछ भी हो सकती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं और या फिर कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। अरे की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, इंडेक्स्ड अरे और एसोसिएटिव अरे। इंडेक्स्ड अरे कौन सी होती है, जिसकी स्ट्रिंग्स जो होती हैं या कीज जो होती हैं वो इंटीजर्स होती हैं। इंडेक्स्ड अरे में क्या होता है कि हम उसमें देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशन में क्या पड़ा हुआ है, सेकंड में क्या पड़ा हुआ है, थर्ड में क्या पड़ा हुआ है, उसको हम इंडेक्स्ड अरे कहते हैं। एसोसिएटिव अरे में क्या होता है कि जो हमारे पास कीज जो होती हैं वो स्ट्रिंग्स होती हैं, वो इंटीजर्स नहीं होते। जैसा कि हमारे पास अगर हम देखें कि यूज़र का टेबल बनाएंगे तो हम उस यूज़र के टेबल में जो नेम होगा, जो की होगी, उसका एड्रेस होगा, वो सारे के सारे हमारे पास कीज़ के तौर पे आ रहे होंगे और उस अरे को हम एसोसिएटिव अरे कहेंगे। जैसा कि अरे नेम, नेम के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो उस यूज़र का नाम होगा, और जो नेम होगा हमारे पास, ये हमारे पास एक्चुअली एक एसोसिएटिव अरे है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मल्टी डायमेंशनल अरेज। अगर अभी तक जो हमने देखा था कि वो सिर्फ ये था कि हमारे पास एक इंडेक्स है और हमारे पास उस पर एक ही वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन हम अब हमारे पास ये भी हो सकता है कि एक अरे में हमारे पास जो इंडेक्स है उसमें एक फर्दर एक नई अरे पड़ी हो। मल्टी डायमेंशनल अरे में क्या होता है कि इसमें उसके अंदर एक मल्टीपल अरेज हो सकती हैं,
पीएचपी सपोर्ट करता है मल्टी डायमेंशनल अरेज, किसी भी लेवल तक जा सकती हैं, 2, 3, 4, 5 या इससे भी ज़्यादा डीप लेवल्स तक। लेकिन 3 से ज़्यादा अगर हम लेवल्स की अरे देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं कि 2 डायमेंशनल अरे को देखेंगे। ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में हम यहाँ पे नेम में डिफरेंट ब्रांड की नेम आ रहे हैं, और उसके बाद स्टॉक आ रहा है हमारे पास। स्टॉक में हम देख रहे हैं किस तरह अवेलेबल है हमारे पास, और उसके बाद ये सोल्ड कितनी हो चुकी हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हम दिखा रहे हैं। ये इस तरह हमारे पास डिफरेंट कार्ड्स आ रही हैं, और इसकी अरेज अगर हम पीएचपी में बनाते हैं तो इस तरह से बनेंगी। अरे है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास फर्दर एक अरे पड़ी हुई है, उस नेक्स्ट इंडेक्स में हमारे पास एक नेक्स्ट कार्ड की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। इसी तरह से हमारे पास अगर ये 4 कार्ड्स हैं तो एक अरे के ऊपर 4 अरेज, उसमें हमारे पास नेक्स्ट हमारी इंफॉर्मेशन है। अगर हम इसको इको करवाते हैं पीएचपी में तो किस तरह से होता है ये, हम सबसे पहले ये एक जो अरे है इसको हम यहाँ पे, ये अरे जो है हमारे पास वो हमने यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर ली है। उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट अरे जो है हमारे पास वो किस तरह से वर्क थ्रू कर सकती हैं, वो किस तरह से डिफरेंट वैल्यूज को एक्सेस कर सकती हैं। यहाँ पे अगर हमने उस अरे के को प्रिंट कराया है और तो कुछ इस तरह से वो हमें नजर आएगी। प्रिंट आर भी अरे का भी एक प्रिंट कराने का एक फंक्शन है। यहाँ पे हम इस अरे को जब हम प्रिंट करा लेंगे तो उस ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे तो ये किस इस तरह से हमें आउटपुट दे रही है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये एक इसका फर्स्ट इंडेक्स है। अरे के जो भी इंडेक्सेस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3। अगर हम इसका कोई इंडेक्स खुद से नहीं लेते तो वो हमेशा 0 0 से ही स्टार्ट होता है। यहाँ से हमने इसको इक्वल रहा है डॉलर कार्ड्स 0, और फिर 0 के ऊपर फर्दर 0 पड़ा हुआ है वो डिस्प्ले होना चाहिए हमारे पास। 0 के ऊपर 0 हमारे पास पड़ा हुआ है वो है हमारे वॉल्वो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या शो होगा, वॉल्वो। उसके बाद इन स्टॉक में लिखा आएगा, और फिर 0 के ऊपर 1 में जो वैल्यू हमने इंफॉर्मेशन रखी हुई है वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगी। 0 के 1 पे हमारे पास देखें तो हमारे पास 22 डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे 22 आ जाएगा। उसके बाद हम सोल्ड, हमने सोल्ड लिखा हुआ है, और उसके 0 के ऊपर हमने 2 की वैल्यू रखी हुई है और 2 पे 18 आ रहा है। अगर हम टोटली देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, वॉल्वो इन स्टॉक 22, सोल्ड 18। और हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा देंगे तो देखेंगे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो, अगर हम इस प्री के टैग को और अरे को फिलहाल कमेंट कर देते हैं और फिर इसको हम जब यहाँ पे रिफ्रेश कराएंगे तो देखें वॉल्वो इन स्टॉक 22 सोल्ड 18, ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ रहा है हमारा। उसके बाद हमने क्या कहा है, एक ब्रेक शो होगी हमारे पास, नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी। 1 पे हमने 0 पढ़ा है, 1 का जो 0 है वो बीएमडब्ल्यू है, वहां पे बीएमडब्ल्यू आ जाएगा। इन स्टॉक में हमारे पास बाद में जो वैल्यू आ रही है वो 101 है, 101 पे हमारे पास 15 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। और सोल्ड में 102 हमारे पास है तो 2 जो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो BMW इन स्टॉक 15 और सोल्ड 13। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं BMW इन स्टॉक 15 सोल्ड 13, यही चीज़ आ रही है हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है 2 of 0,
2 of 0 पे हमारे पास सैप पड़ा हुआ है, और इन स्टॉक में हमारे पास 2 of 1 है, और 2 of 1 पे हमारे पास 1 5 पड़ा हुआ है सॉरी, और हमारे पास कार्स आ जाएगी, और 2 और 2 पे हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, तो हमारे पास आउटपुट जो हमारे पास बनेगी वो होगी सैप इन स्टॉक 5 और सोल्ड 2, तो हमारे पास यही शो हो रहा है, हमारे पास इन स्टॉक 5 सोल्ड 2। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है फोर्थ, हमारे जो कान की इंफॉर्मेशन है वो है 3 of 0 पे लैंड रोवर, इन स्टॉक में हमारे पास 3 of 1 पे हमारे पास 17, और सोल्ड में हमारे पास 3 of 2 15, और फिर न्यू लाइन स्टार्ट हो रही है। तो ये भी अगर हम देखें एज इट इज हमें यहाँ पे शो हो रहा है, आउटपुट आ रही है हमारे पास। इसके बाद जो हम देखेंगे नेक्स्ट चीज हम देखेंगे वो ये है कि इसी अरे को अगर हम फोर लूप के थ्रू किस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। फोर लूप अगर हमने यूज करनी हो तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने सिंपली फॉर लूप जैसे हमने यहाँ पे देख सकते हैं हम उसको इनिशियलाइज कर लिया है, और यहाँ पे हमने उसके ऊपर कंडीशन लगा दी है, और इसके ऊपर इंक्रीमेंट हो रहा होता है। इसको हम रिट्रीव करेंगे तो इस तरह से हम देखेंगे हम इसके ऊपर वॉक थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले हमने डॉलर रो जो है वो हमारे पास 0 है, और कि उसके बाद डॉलर रो का हमारे पास जो अगर वो हमारे पास 0 है तो 0 हमारे पास ग्रेटर देन 0 4 है, तो हम लूप के अंदर चले जाएंगे, और जब हम लूप के अंदर जाएंगे तो हमारे पास ई को सबसे पहले क्या होगा, बोल का टैग है, रो नंबर है, बी का टैग आ गया हमारे पास, और रो नंबर आ गया, और उसके बाद डॉलर रो, रो डॉलर जो हमारे पास करंटली हमारे पास 0 है तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे ये टैग्स क्लोज हो रहे हैं। उसके बाद हमने इसको यूएल को स्टार्ट करा दिया है, ये हमारे पास यूएल स्टार्ट हो गई है, और इसके अंदर एक और फॉर लूप लगा रहे हैं, और उस फॉर लूप के अंदर हम जो कॉलम्स हैं हमारे पास वो आएंगे, तो कॉलम्स हमारे जो फिलहाल आएंगे हमारे पास वो 0 ही है, और कॉलम्स हमारे पास 3 है तो हम 3 लिख देंगे यहाँ पे, और इस तरह से हम यहाँ पे 0 अगर हमारे पास कॉलम आ रहा है उसको हम 0 चेक करेंगे, और लेस देन 3 होगा, और 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू हो गई, और हम इसके अंदर आ जाएगी, और हमारे पास एल आई डिस्प्ले होगी, एल आई जो है हमारे पास डॉलर कार्स, और डॉलर रो हमारे पास 0 है, और डॉलर कॉलम जो है हमारे पास वो भी 0 है, 0 of 0 आएगा, 0 of 0 जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास वॉल्वो पड़ा हुआ है तो वहाँ पे वॉल्वो डिस्प्ले हो जाएगा, और एल आई हमारे पास क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इसी लूप के अंदर जाएंगे, डॉलर कॉलम जो हमारे पास वो होगा हमारे पास प्लस प्लस होगा, और डॉलर कॉलम के अंदर 1 1 आ गया है, 1 is less than 3 तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो यहाँ पे एल आई डिस्प्ले होगा। उसके बाद डॉलर कार्स के 0 के अंदर 1 आ जाएगा, और 1 के ऊपर हमारे पास 22 पड़ा हुआ है वो यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाएगा, और कंडीशन हमारे पास इम्प्लीमेंट होगा, और डॉलर जो हमारे पास कॉलम है वहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 less than 3 हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी, फिर से हम यहाँ पर आएंगे एल आई स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे हम इस रो के अंदर जो है हमारे पास 0 है ये, और कॉलम हमारे पास 2 हो चुका है, 0 of 2 में हमारे पास 18 है, और डिस्प्ले अगर हमारे पास होगा तो एल आई स्टार्ट हो जाएगा, और जो डॉलर कॉलम है हमारे पास वो प्लस प्लस हो जाएगा, तो वो यहाँ पे 3 3 less than 3 हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, तो इस लूप से जब हम बाहर आएंगे तो हमारे पास यू एल का जो टैग है वो एंड हो रहा है, तो यहाँ पे वो क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बाहर वाला जो अपर लूप है उसमें हम जो हमने डॉलर रो है वो प्लस प्लस हो रहा है, और जो डॉलर रो हमारे पास 0 हो रहा था वो प्लस हो जाएगा, फिर हम कंडीशन चेक करेंगे हमारे पास डॉलर रो जो होगा वो less than 4, डॉलर रो में हमारे पास करंटली 1 है, 1 less than 4 तो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हम दोबारा से इस लूप के अंदर जाएंगे, फिर से वो सारी चीज़ें शो होंगी, डॉलर रो में 1 आ जाएगा, डॉलर कॉलम में हमारे पास अगेन 0 होगा, 0 less than 3 होगा, यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, एल आई डिस्प्ले होगी, 1 of 0 आ जाएगा हमारे पास, 1 of 0 पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे BMW थी। उसके बाद हमारे पास फिर से आएंगे हम डॉलर कॉलम में,
वन हो जाएगा हमारे पास, वन लेस देन थ्री होता है, ट्रू हो जाएगा हमारे पास, फिर से वन ऑफ वन डिस्प्ले होगा यहाँ पे, वन ऑफ वन में हमारे पास 15 है। उसके बाद फिर से हम डॉलर कॉलम जो है वो हमारे पास प्लस प्लस हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा, ट्रू टू लेस देन थ्री हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आएंगे वन ऑफ टू डिस्प्ले हो जाएगा, फिर से हम डॉलर कॉलम में प्लस प्लस होगा वो थ्री हो जाएगा, थ्री लेस देन ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई, इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे और बाहर आके जो हमारी यूएल है वो एंड हो जाएगी और फिर से हम इस लूप के आउटर लूप में जाएंगे तो हमारा डॉलर रो जो है वो प्लस प्लस हो जाएगा, वो टू हो जाएगा, कंडीशन चेक होगी टू लेस देन फोर, ट्रू हो गई कंडीशन, तो फिर से लूप के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो रो है उसको डिस्प्ले डिस्प्ले कराने के लिए रो नंबर टू आ जाएगा। उसके बाद हमारे जो इनर लूप है उसमें हम जाएंगे तो डॉलर कॉलम जो हमारे पास वो जीरो आ जाएगा और फिर कंडीशन सेट होगी, फिर से हम एल आई में आ जाएंगे, एल आई डिस्प्ले होगा और ऊपर हम इधर हमने कौन सी एल आई डिस्प्ले करानी है, रो में हमारे पास जीरो टू आ रहा है, टू ऑफ जीरो में हमारे पास क्या है सैब आ रहा है, फिर से हम डॉलर कॉलम प्लस प्लस कराएंगे तो वो वन हो जाएगा, टू ऑफ वन डिस्प्ले हो जाएगा, फिर से हम प्लस प्लस होगा तो वो थ्री हो जाएगा, थ्री लेस देन थ्री कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम इस लूप से बाहर आएंगे और आउटर लूप की जो हम जो हमारे पर रो है प्लस प्लस होगी तो वो थ्री हो जाएगा, तो यहाँ पे रो नंबर थ्री डिस्प्ले होगी और फिर डॉलर डॉलर कॉलम दोबारा से जीरो होगा, डॉलर कॉलम लेस देन थ्री होगा, कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे आके हम रो के अंदर आएंगे तो थ्री आ रहा है, थ्री ऑफ जीरो आ जाएगा जो कि हमारे पास लैंड रोवर है, उसके बाद हम डॉलर कॉलम प्लस प्लस हो जाएगा और वो वन हो जाएगा, कंडीशन चेक करेंगे वो वन लेस देन थ्री होता है वो ट्रू हो गई और थ्री ऑफ वन आ जाएगी, थ्री ऑफ वन में हमारे पास 17 पड़ा हुआ है, फिर से डॉलर कॉलम प्लस प्लस होगा तो वो टू हो जाएगा, टू लेस देन थ्री कंडीशन ट्रू है तो थ्री ऑफ टू के अंदर जो हमारी जो फिर से डॉलर कॉलम हमारे पास प्लस प्लस आ जाएगा और कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई, हम अपर लूप में जाएंगे, आउटर लूप में हम जाके देखेंगे रो प्लस प्लस होके हमारे पास फॉल्स, जब हमारे पास कंडीशन शो होगी फोर लेस देन फोर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो इस लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा स्क्रिप्ट एंड हो जाएगा। इसको अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले करा के देखें, इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा जो HTML रेंडर होके हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से शो होगी कि हमने उसको ULLI के अंदर डिस्प्ले करा दिया है जो भी हमारे पास उनका उन कार्स का जो डेटा था। उसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमारी SQLI के एरर्स को रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं, MySQL कनेक्ट एरर नंबर जैसा कि हमने इसको यूज़ किया था कनेक्शन को देखने के लिए कि जो हमारा जो कनेक्शन है उसमें किस तरह का कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर नंबर रिटर्न कर रहा है फंक्शन तो ज़रूर कोई एरर भी आ रहा होगा, तो वो एरर की स्ट्रिंग भी यहाँ पे आ रही है कि कौन सा एरर आ रहा है हम वो यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे और फिर एग्जिट लगा देंगे ताकि कोड आगे एग्जीक्यूट ना हो। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है माई SQLI एरर नंबर, ये हम कनेक्शन के अंदर यूज करते हैं कि जो हमारे पास जो कनेक्शन बनाया है हमने उस कनेक्शन में अगर कोई एरर आ रहा है, माई SQLI कनेक्ट एरर नंबर जो है ये उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास कोई एरर आ रहा हो और क्वेरी में अगर कोई एरर आ रहा हो अगर वो नंबर के थ्रू आएगा तो एक्सट्रीम जो हमारे पास जो होगी वो कनेक्ट एरर के थ्रू आएगी। एसक्यूएल स्ट्रेट को हम अगर देखें तो ये क्या करता है कि हमारे पास जो एक्सट्रीम होती है स्ट्रिंग होती है उनको रिटर्न करता है कि किस वो इंसर्ट था रेड था डिलीट था तो वो किस तरह का जो एरर आ रहा है उसमें अगर वो आ रहा है तो वो इन 5 बिट्स में एरर को शो करा देगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो MySQL के डिफरेंट ऑपरेशन है इंसर्ट डिलीट
और सिलेक्ट के तरह के ऑप्शंस होते हैं, वो किस तरह से हमारे पास डाटा रिट्रीव कर सकते हैं अपने डेटाबेस से, और इस डाटा को किस तरह से हम अरेज के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं और टेबल के फॉर्म में या सिंपल HTML की फॉर्म में किस तरह से शो करा सकते हैं। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।